हेलो एवरीवन, मैं वीरेन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ओशन पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। ये आज हमारे एलपी लोको पायलट टेक्नीशियन का सेकंड लेक्चर है और हम लोग इस टेक्निकल सीरीज में जो कि हम लोगों ने इसके पहले स्टार्ट किया था, आज इसका दूसरा टॉपिक है। और जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा था वो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप सभी वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो कि किसी भी मतलब कि करंट को फ्लो करने के लिए उसकी बेसिक नीड होती है उसके बारे में डिटेल स्टडी किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे जो है चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे जो है मतलब कि फ्लो करते हैं, और कहते हैं कंडक्टर जो होते हैं जिसको हिंदी में चालक कहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा किया था। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे जब कोई हमारे पास जो कोई चालक होगा, यानी जिसको हिंदी में जिसको इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं, उसको कंडक्टर कहते हैं। एक्चुअली कंडक्टर में होता क्या है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते रहें, ठीक है। अभी इनके ऊपर कोई फोर्स तो लगेगा ही, ऐसा मैंने पिछली क्लास में देखा था कि जब हम उस नल में एक हम लोगों ने पाइप लिया था, ठीक है, और इस पाइप में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक टैंक भरकर यहाँ पे जो क्या किया था, हमने वाटर को फिल कर दिया था, वाटर को फिल कर दिया था। देखिए ये नल जो है इधर से जब इसका हमने यहाँ पे कनेक्शन कर रखा था, अभी क्या है ये और पॉइंट बी पे क्या है भाई, लेवल सेम है वाटर का, ठीक है। अगर लेवल सेम है तो अगर हम यहाँ से अगर मान लीजिए अगर एक टोटी लगा दे, ठीक है, इसको नो बोलते हैं, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, मतलब प्रेशर सेम है, इस वाटर का लेवल सेम है, तो क्या ये इधर से नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसका सेकेंड स्टेज मान लीजिए, अब हम क्या करेंगे, इस जो टैंक को इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। सपोज करिए हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको ये पिछली क्लास में हमने बताया था आपको, तो हुआ क्या, अब क्या है वाटर है फिलअप किया मैंने, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब हुआ क्या कि पॉइंट ए जिसका लेवल यहाँ पे अभी हमने बताया कि लेवल सेम था, अब हमने क्या किया इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो क्या हुआ यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या, अब जो है पानी है हायर, इधर था हायर हो गया, हायर टू लोअर पोटेंशियल, सेम यही कॉन्सेप्ट जो है ये, तो क्योंकि क्या यहाँ पर अब ऊपर से नीचे का प्रेशर बन गया, जिसकी वजह से ये नॉब खोलने पर ये वाटर जो है हमारे इस नल के थ्रू नीचे आने लगा, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे प्रेशर होता है इसको दाब बोलते हैं, इसको पी से डोनेट करते हैं, वो यहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये कैसे आता है इसको हम अभी बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवांतर। आप लोगों ने 10th में 12th में पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया होगा, ठीक है। अब जो है बेसिकली अब जाहिर सी बात है कि हमारा अगर हम यहाँ पे जो है एक्चुअली इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर लिया है हमने, ठीक है। अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, अब हम जनरली जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है रेंडमली मोशन करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है एक राइट डायरेक्शन मोशन नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सीक्वेंस से एकदम डायरेक्शनली मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या करेंगे, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि एक्चुअली हम इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं कि किसी भी मोड इसमें होल्स भी रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल्स, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही हम यहां पे एक पॉजिटिव प्लेट लेके आए, ठीक है, और पॉजिटिव प्लेट लेके आए तो क्या हुआ, ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाने लगे, ठीक है,
और इधर से होल इधर आने लगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि जितने इलेक्ट्रॉन थे, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके रिकम्बाइन हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुए, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और होल कहां आ रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। लेकिन अब देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, एक यहां पर जाहिर सी बात है एक फोर्स लग रहा है यहां पे। मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और पॉइंट बी मानते हैं, तो ये हायर पोटेंशियल है, तो होल कहां आ रहा है, हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, लोअर टू हायर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था नल वाले एग्जांपल में, तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट, बी पॉइंट का पोटेंशियल हाई था, ए पॉइंट का पोटेंशियल लो था, जिसकी वजह से एक प्रेशर लग रहा था और नॉब खोलने पे इलेक्ट्रॉन जो वाटर है वो नीचे फ्लो कर रहा था, एक स्ट्रीम की तरीके से, एक मतलब उसको कहते हैं कि जिसे हम बोलते हैं ना कि पानी बह रहा है, ठीक है। तो पानी बह रहा है तो वो क्या है, एक प्रेशर की वजह से वो फ्लो हो रहा है। देखिए आप जैसे झरने देखते हैं तो क्या है, उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, वो ऊपर से आता है पानी और धीरे नीचे गिर जाता है, तो क्या होता है, उस पर उसका ऊपर पोटेंशियल हाई रहता है और नीचे लो रहता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक सीक्वेंस में फ्लो कराना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें एक हाई पोटेंशियल, जैसे इसका अपोजिट चार्ज रखना पड़ेगा, यानी कि अपोजिट क्या होता है, माइनस का ऑब्जेक्टिव, सॉरी अपोजिट क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं विभवांतर, ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे इसको दूसरे शब्दों में हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए कोई पिंड ए है और यहाँ पे कोई पिंड बी है, ठीक है। सपोज चलिए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, हमने मतलब बॉडी ए लिया और बॉडी बी लिया, सपोज करिए इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मतलब कि जो मूलभूत सिद्धांत है जो आवेश का, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार क्या होता है कि जो सेम बॉडी के जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपेल करते हैं, ठीक है। जब रिपेल करेंगे तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस चार्ज को एक मैकेनिकल फोर्स के द्वारा इसको पास लाएंगे, तो जितना हमें कार्य करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए, वही क्या होगा, हमारा क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में चार्ज को जो काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, वही क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपका इसे वर्क डन से, मतलब चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया कार्य अपान चार्ज, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट आपका जो है वोल्ट होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी, सपोज करिए अगर यहां पे हमने जो है माइनस चार्ज रख दिया, ठीक है, अगर हम इस माइनस चार्ज को क्या करेंगे, एक्चुअली ये खींचेगा, ठीक है, अगर हम इसको बाहर ले जाएं तो इसकी डिस्टेंस बढ़ाने में जितना इस चार्ज को हमें वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम जो है इस पे एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसे इसको मैं रब कर देता हूं, जैसे हमारा यहां पे क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क डन इन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 coulomb across 2 point having a
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है। अब वर्क डन निकालना है तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मान लीजिए क्या क्या रहा है कि ये दो, ठीक है, चार्ज है ए और बी, ठीक है। अब इस चार्ज को यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या लिखे थे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जनरली V से डोनेट करते हैं, और ये हमारा होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ये होता है आपका Q, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका टोटल, कितना हो जाएगा आपका वर्क डन, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आपका W इक्वल टू ये क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, ठीक है, V इंटू क्यू। तो क्या हो जाएगा, V कितना है 12 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24 आपका वोल्ट, ठीक है, आपका जो है सॉरी वोल्ट नहीं आपका जूल, ठीक है, 24 जूल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस चार्ज को मान लीजिए सेम चार्ज है, इसको ए को सॉरी बी को हम लोग ए पे ला रहे हैं, तो हमें जो है इस पर वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है, आपका 12 गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका ये है वोल्टेज कितना है आपका 12, ठीक है, और जो उनका ये देखिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, और आपका चार्ज कितना दिया हुआ है Q 2 कूलॉम, ठीक है। तो इसके इसका वर्क डन कितना हो जाएगा 24 जूल, ठीक है। अब जो है बेसिक जो है पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जनरली इसके आगे की जो है आगे का टॉपिक है जिसको हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत धारा, ठीक है। जाहिर सी बात है जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई हमारा चालक है, ठीक है, चालक, ठीक है, तो इसमें जो चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन और होल्स, चार्ज कैरियर इसको बात करें, ठीक है, चार्ज कैरियर, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये रेंडमली मूव करेंगे, ठीक है, रेंडमली क्या करेंगे मूव करेंगे, ठीक है। जब रेंडमली मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पे जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये होल इधर चला गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा, जो है परिणामी धारा क्या हो जाएगी, इसकी परिणामी धारा जो कि रूम टेम्परेचर पे, यानी कि आपका जो है जो
कमरे का जो तापमान होता है इसमें रिजल्ट आपका जो परिणामी धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी कि ये किधर नहीं जा रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो दो होल उधर जा रहे हैं, जिससे रिजल्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो अब जाहिर सी बात है हमें इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे और होल इधर मूव करे, मतलब अलग हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे करंट फ्लो करेगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज अपने टॉपिक को हम यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने और लाइक का बटन उसको क्लिक करिए, ठीक है। थैंक यू।